क्या बनाना चाहते हो अगले 20 साल बाद, जब 40 के अंदर पहुंचो, 45 के अंदर पहुंचो, तो कहो मैंने जिंदगी के अंदर कोई अचीव किया है। वो इतना सैटिस्फैक्टरी और इतना सैटिस्फैक्शन वाला है कि मुझे अब वो गम याद नहीं आते, कि तमाम की तमाम नाकामियां मुझे याद नहीं आती। एंड दिस इज द रेसिपी ऑफ सक्सेस ऑफ एवरीवन। योर पोटेंशियल इज नॉट योर रिसोर्स, योर पोटेंशियल इज एक्चुअली व्हाट यू ड्रीम ऑफ। तुम्हारा ख्वाब क्या है, तुम बनना क्या चाहते हो, बनाना क्या चाहते हो, दुनिया के अंदर क्या फर्क लेके आना चाहते हो, क्या चेंज लेकर आना चाहते हो, अपने आप को क्या बनाना चाहते हो अगले 20 साल बाद, जब 40 के अंदर पहुंचो, 45 के अंदर पहुंचो, तो कहो मैंने जिंदगी के अंदर कोई अचीव किया है। हां, छोड़ा बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ सैक्रिफाइस किया होगा, बहुत बातें सुनी होंगी, लेकिन वो तो वैसे भी सुननी है, वो तो वैसे भी होना है तुम्हारे साथ। हर कोई तुम्हें जाके सजदे नहीं देगा, सबमिट नहीं करेगा, लेकिन आदमी कल को ये बोले कि एटलीस्ट मैंने जिंदगी के अंदर जो हासिल किया है, जो बनाया है, वो इतना सैटिस्फैक्टरी और इतना सैटिस्फैक्शन वाला है कि मुझे अब वो गम याद नहीं आते। आई एम कमिंग टू द स्टेटमेंट आई स्टार्टेड विद, जिंदगी के अंदर हमेशा गम भी रहेंगे, खौफ भी रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारे पास वो अचीवमेंट है, सेंस ऑफ अचीवमेंट है, तुम बोलोगे कोई मसले की बात नहीं अगर रातें गुजर गई नींद के बगैर, कोई मसले की बात नहीं है कि अपने अगर दोस्त छूट चुके हैं, कोई मसले की बात नहीं अगर मैं बचपन में उस तरह से एंजॉय नहीं कर सका जो मेरे साथ वाले करते थे, मेरे कजन्स करते थे, मेरे दोस्त करते थे, कोई मसले की बात नहीं है अगर मैं वो मकाम हासिल नहीं कर सका अपनी जवानी के अंदर, कोई मसले की बात नहीं है कि अगर मेरे पास उतने पैसे नहीं थे कि मैं भी बड़े बड़े फोन और गाड़ियों में घूम सकता होता, कोई मसले की बात नहीं है अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, इतने वसाइल नहीं थे कि मैं भी फॉरेन ट्रिप्स मार सकता होता, मैं भी बाहर की दुनिया देख सकता होता। लेकिन ये गम तब जाके दूर होता है जब आदमी एक मकाम तक पहुंचता है और कहता है जो मैंने हासिल किया वो उन सब खोई हुई चीजों से और ड्रीम से और अपनी उम्मीदों से और ख्वाहिशों से बड़ा है कि आज मुझे माजी याद नहीं आता। ये नहीं है जिंदगी के अंदर कि सब पालूंगा तो सुकून मिलेगा। जिंदगी का असल रेसिपी ऑफ सक्सेस और पीस और सैटिस्फैक्शन इज कि ये नहीं है कि मैंने खोया क्या है, बात इस पे नहीं होगी कि मैंने गवाया क्या है, बात इस पे नहीं होगी कि मैंने छोड़ा क्या है, गम इस पे नहीं होगा कि क्या मैंने हासिल नहीं किया है। खुशी इतनी बड़ी हो, अचीवमेंट इतनी बड़ी हो, सेंस ऑफ अचीवमेंट इतनी स्ट्रांग हो कि बंदा कहे कोई मसले की बात नहीं है अगर वो सारी मंजिलें नहीं मिली, मेरी एक मंजिल ही इतनी बड़ी है कि तमाम की तमाम नाकामियां मुझे याद नहीं आती। एंड दिस इज द रेसिपी ऑफ सक्सेस ऑफ एवरीवन।